स्पॉन्सर्ड बाय एंजल लाइफ हेयर केयर एंड ट्रांसप्लांट। गंजेपन से छुटकारा पाने का रामबाण इलाज। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों को अश्लील वीडियो कॉल कर परेशान करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही नहीं, उनकी व्हाट्सएप डीपी का भी दुरुपयोग किया गया। जब एक कार्यकर्ता ने साथी महिला कार्यकर्ता से अपने साथ हुई घटना की चर्चा की, तब पता चला कि अन्य कई साथी भी इसका शिकार हुई है। मामले की शिकायत एसपी क्राइम से की है। हम लोगों को एक व्यक्ति है जो कि वीडियो कॉलिंग के द्वारा परेशान कर रहा है। हम बीजेपी वेणी माधव मंडल से हैं और हमारे यहाँ की सभी महिलाओं को वो अश्लील वीडियो दिखा करके परेशान कर रहा है। लेकिन सबसे अफसोस की बात तो ये है कि वो हम लोगों की डीपियाँ लगा रहा है, जिसमें इस समय उसने मेरी डीपी लगा रखी है आज एक हफ्ते से, जिस कारण से लोग अलग अलग तरीके के प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। और वो व्यक्ति अंधेरे में वीडियो कॉलिंग करता है, जिसमें हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है कुछ भी, और जिससे सभी महिलाएं परेशान हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा महिला नेताओं की डीपी फोटो लगे मोबाइल नंबर से महिला नेताओं को ही अश्लील वीडियो कॉल किए जा रहे हैं। शुरुआत में कुछ महिलाओं ने समाज के भय से इस मसले पर चुप रहना ही बेहतर समझा। यह जानकारी जब प्रयागराज की रहने वाली महिला भाजपा नेता अर्चना शुक्ला को पता चली, तो उन्होंने पुलिस और मीडिया के साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इस मसले का खुलासा करना शुरू किया। देखिए, अश्लील वीडियो कॉल को लेकर मामला मेरे संज्ञान में आया है और लगभग 25 कंप्लेन मेरे पास आ चुकी हैं अब तक। तो मैंने सभी महिलाओं को कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपस की हमारी भाजपा की पदाधिकारी हैं मैक्सिमम, और बहुत मानसिक रूप से सभी परेशान हैं। तो इसलिए जो है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बुलडोज़र सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं का हेल्प डेस्क इसी के लिए बनाया है। हमने एसएसपी साहब को भी संज्ञान में डाला है, अजय पांडे जी को, और साथ में एसपी क्राइम ब्रांच में साइबर सेल में भी इसकी लिखित शिकायत इन सबके साथ बहनों के साथ जाके किया हुआ है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा और 2-3 दिन का समय उन्होंने मांगा है। तो मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन अच्छे से कार्य करेगा और महिलाओं को लेकर जो उनकी अस्मिता पे इस तरह के ऐसे वीडियो कॉल करके वो उनकी छवि को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये उस पे दंडात्मक एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ में अभी क्या है, जैसे जो जिले में चीज़ें हो रही थी, अब वो काशी क्षेत्र और प्रदेश तक वो पहुँच रही है। मतलब वो डीपी जो है अलग अलग फ़ोटो लगा रहा है, तो जो भी व्यक्ति है वो सामने आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है शासन से। ये फरवरी से आ रहा है, कोई बता नहीं रहा, मेरे पास अप्रैल में आया है, कोई फरवरी में आया है, किसी को सभी महिलाओं को आ रहा है। दो नंबर पे अलग अलग डीपियां लगाया है, 88-64-714 डीपी नहीं लगी है, ये नंबर पे डीपी नहीं लगी है। देखो अभी जो कल नया आया है इस पे डीपी नहीं।